चिजलिंग बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों की फेवरेट स्नैक्स में से एक चीज नमक पारे। ये स्नैक्स बड़ों के लिए भी परफेक्ट है और टेस्टी टी टाइम स्नैक्स है। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और खास करके बच्चों को बहुत पसंद आती है। और देखिए कितने खिले खिले और क्रिस्पी बने हैं, मैं इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। वेलकम टू लीनाज किचन, मैं हूँ लीना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करें, शेयर करें। और देखिए ये चिजलिंग नमकीन पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 kg मैदा लिया है और इसको अच्छी तरह से पहले हम एक बड़े से बर्तन में ले लेंगे। और इसे बनाने के लिए देखिए इसमें हम डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार, और उसे अच्छी तरह से पहले हाथों से मिला लें जिसमें सारे मैदे में ये नमक अच्छी तरह से मिल जाए। और उसके बाद इसमें मैं डालूँगी घी, और अगर घी नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास घी है तो बहुत अच्छा है। और देखिए ये है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मैं लूँगी 1 बड़े चम्मच। देखिए मेरा मेज़रमेंट देखिए 1/2 kg मैदा में, ये मैंने छोटी वाली टेबल स्पून से मैं 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा डालूँगी, जो आप लोग हम लोग केक में डालते हैं ना बेकिंग सोडा, वही बेकिंग सोडा है। फिर से अच्छी तरह से हम हाथों से मिला लेंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा घर में बनाया हुआ घी है, तो मैं 4 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ और इसे भी पहले अच्छी तरह से मैं हाथों से मिला लूँगी जिसमें सारे मैदे में ये बिल्कुल मिल जाए। देखिए और भी रेसिपी देखने के लिए मेरे एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर ले, लीनाज किचन में बहुत सारी वेज नॉन वेज रेसिपी आपको मिल जाएगी। और फैशन से रिलेटेड भी है, लीनाज फैशन एंड ब्यूटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, बहुत सारे मेरे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप प्लीज़ एक बार चेक कर लें। तो देखिए इसको अच्छी तरह से हम हाथों से मिला लेंगे। और उसके बाद देखिए ये चीज़ है, आप चाहे ये मोज़रेला चीज़ मैं ले रही हूँ, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था, आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और 1 क्यूब मैंने चीज़ लिया था और उसे भी आप अच्छी तरह से मिला लें, पहले आप ग्रेट कर लें, कद्दूकस कर लें, उसके बाद पूरे जो है ना मैदा में आप मिला लें। ये 3 सामग्री है ना, इसे डालना बहुत ज़रूरी है चिजलिंग नमक पारे में। और देखिए मैं दोनों हाथ का यूज़ कर रही हूँ जिसमें ये सारे, क्योंकि मैं क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ 1/2 kg, तो इसलिए मैंने दोनों हाथों को यूज़ किया है जिससे सारे मैदे में अच्छी तरह से मिल जाए बेकिंग सोडा, नमक और चीज़। और उसके बाद डालूँगी देखिए ये थोड़ा सा वार्म मिल्क है, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना ये दूध है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक बार ना डालें क्योंकि नमक पारे बनाना है तो थोड़ी इसकी जो डो थोड़ा सा टाइट रखना है, तो थोड़ा थोड़ा डाल करके मैं मिलाते जाऊँगी। और इसे उसी तरह का डो तैयार करना है जैसे हम लोग नमकीन खास्ता बनाते हैं ना फ्रेंड, तो इसी तरह से करना है। और देखिए मैं निमकी जब भी बनाती हूँ तो दोनों हाथों का यूज़ करती हूँ जिससे निमकी बहुत खास्ता और कुरकुरे बनती है और महीनों तक आप इसे खा सकते हैं। और थोड़े थोड़े दूध डाल करके आप इस डो को तैयार करें। और देखिए इस तरह से ये डो इस तरह का टाइट होना चाहिए, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ देखिए। और इसे ढक करके मैं रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। और यहाँ तब तक वो डो तैयार हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। और देखिए ये डो तैयार हो गए हैं मेरे, और तब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक चलिए इसको हम बेल लेते हैं। एक बार फिर से मैंने मसल करके आटा को तैयार कर लिया था 1/2 घंटा के बाद देखिए। और बेलने के समय भी इस तरह से मसल करके एक बार डो को अच्छी तरह से बना ले। और इसको इस तरह बेलना जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, तो मैं तो थोड़ी सी पतला रोटी बनाती हूँ, मेरी रोटी बहुत पतली होती है, तो मैं उसी तरह के मैं बेलूँगी, क्योंकि चिजलिंग जो होता है ना चीज़ नमक पारे बहुत ही पतला साइज़ का होता है, बहुत ज़्यादा मोटा ना बनाए। और इस तरह घुमाते हुए आप बेलें जिसमें चारों तरफ से बिल्कुल एक तरह की साइज़ हो, एक तरह का लेबल हो जाए। और इस तरह से बेलन को चलाते हुए चारों तरफ से हम एक साइज़ का बेलेंगे। और किनारे से जो आप देख रहे हैं ना थोड़ा सा ये बिल्कुल गोल परफेक्ट नहीं है, तो आप किनारे से नाइफ से आप काट करके निकाल दें। देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ इस तरह की, मतलब आप रोटी के जैसे पतले बेल लें। और देखिए ये मेरे पास नाइफ है लेकिन मैं किनारे से निकाल दूँगी जितना भी ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो उसको जिसमें चिजलिंग बिल्कुल एक साइज़ की बने, देखिए इस तरह से मैं निकाल दूँगी।
और स्क्वायर साइज़ में बनाना है। देखिए साइज आप थोड़ी छोटी बड़ी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर शेप में हमें चिजलिंग की जो है ना शेप देना है। देखिए आप चाहे तो थोड़ा छोटा भी शेप दे सकते हैं। और देखिए इस तरह करके मैं सारे जितने भी मेरे डो है ना तो सबको मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी काट करके। और देखिए इस तरह करके, और मैं फ़ैन भी चल रहा है तो थोड़ा सा फ़ैन की जो ना हवा लग जाने से ये और भी परफेक्ट तल करके तैयार होते हैं। यहाँ पे मैं कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं डालूँगी रिफाइंड ऑयल, और तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो ये बहुत पतले होते हैं तो बिल्कुल वो जल जाएंगे। और इस तरह से देखिए बहुत ही धीमी धीमी आँच पर मैंने इसे डाला है, और देखिए कितना फुल के क्रिस्पी बन गए हैं, देखिए इस तरह से। और मैं सब निकालते जाऊंगी, और देखिए इस तरह से बना करके, और बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे बना करके एयर टाइट डब्बे में बंद करें और लंबे समय तक के लिए स्टोर करके आप रख सकते हैं। और बहुत ही अच्छी ये स्नैक्स टी टाइम स्नैक्स है, आप इसे बना करके और महीनों तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी और फुली बनी है। तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मिलती हूँ एक अच्छे से रेसिपी के साथ लीनाज किचन में। स्टे सेफ, स्टे केयर फ्रेंड्स, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।